अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सबको खुश आमदीद आपके अपने चैनल ग्रीन साइंस में। आज हम बात कर रहे हैं किंगडम प्लाटी में डिवीजन ब्रायोफाइटा की, और जीनस जीनस जिसका हम कर रहे हैं वो है फ्यूनेरिया। सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे हम फ्यूनेरिया की, तो किंगडम इसकी है प्लांटी, डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास ब्रायोप्सिडा, सब क्लास फ्यूनेरिडी, ऑर्डर फ्यूनेरियल्स, फैमिली फ्यूनेरियसी, और जो जीनस है इसकी वो है फ्यूनेरिया। ऑकरेंस इसकी कहाँ ये पाए जाते हैं? ज़्यादातर ये रेनी सीजन में मॉइस्ट प्लेसेस पर पाए जाते हैं। एक तो रेनी सीजन हो, और दूसरा जो मॉइस्ट प्लेसेस होती हैं, जो टैंक्स होते हैं, जो नदी नाले होते हैं उनके जो किनारे होते हैं वहाँ ये आमतौर पर दिखाई देते हैं। जनरल करेक्टर्स में हम देखेंगे इंक्लूडिंग गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। इसका जो होल स्ट्रक्चर है उसका साइज होता है 3 से 5 सेंटीमीटर। जैसा कि अभी बात की, ये शेडी और रेनी सीजन में ज़्यादा दिखाई देते हैं। 3 से 5 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है, और ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। सिमेट्री अरेंजमेंट को कहते हैं। रेडियल यानी के सेंटर से आउटवर्ड इनकी डायरेक्शन होती है। रेडली ये अरेंज होते हैं, जस्ट लाइक फ्लावर, जिस तरह एक फूल होता है। और इसके अलावा ये डिफरेंशिएट होता है एक्सिस, मेन एक्सिस जिसके ऊपर ये स्ट्रक्चर्स बियर होते हैं, लगे होते हैं, जिसको हम स्टेम कहते हैं। इसके पास लीव्स होते हैं, फ्लॉइड्स जिसको हम कहते हैं, और मल्टी सेलुलर कलरलेस ब्रांच राइजॉइड्स होते हैं। कलरलेस इस वजह से क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, और ये ए क्लोरोफिलस होते हैं यानी कि कलरलेस होते हैं, और राइजॉइड्स होते हैं, नॉट प्रॉपर रूट्स। रूट्स को हम हाई प्लांट्स के अंदर देखते हैं। ये चूंकि लोअर प्लांट्स हैं इस वजह से इनके अंदर जो एंकरिंग और एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर, उनको हम राइजॉइड्स का नाम दे रहे हैं। प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर हैं ये, बहुत एंशियंट टाइम्स पे ये ऑर्गेनिजम्स दिखे गए, रिकॉर्ड किए गए हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ऑटोट्रॉफिक है, क्योंकि लीव्स हैं, अपना खाना खुद बनाएंगे। शेड लिविंग मॉइस्ट प्लेसेस पर ज़्यादा पाए जाते हैं, हैबिटेट है इनका। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एम्फीबियस प्लांट्स कहलाते हैं। एम्फीबियस इस वजह से कि ये उगते टेरन पर है, लैंड पर है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट जो फिनोमिना है फर्टिलाइजेशन का, रिप्रोडक्शन का, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का, उसके लिए जो गेमीट्स हैं उनकी मूवमेंट के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है। अब वो पानी जो है वो ज़्यादातर जब रेनी सीजन होता है, बारिश होती है, तो उसके स्प्लैशेस से मिलता है, और इस वजह से इसको हम एम्फीबियस प्लांट्स का नाम देते हैं। ब्रायोफाइट्स में जो किंग हमारे पास जीनस फिनेरिया है वो एम्फीबियस प्लांट्स कहलाते हैं। प्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल प्रोडक्शन की थ्रू स्पोर फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा इनके पास कोई वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, इनके पास प्रॉपर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, जस्ट डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जो कि कंडक्शन करते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम राइजॉइड्स कहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट को बनाती है, गेमिटोफाइट स्पोरोफाइट को बनाती है, स्पोरोफाइट अगेन गेमिटोफाइट को बनाती है, तो ये ऑल्टरनेशन जनरेशन शो करते हैं। अगर बात करें हम जस्ट गेमिटोफाइट की, तो इसका साइज 1 से 3 सेंटीमीटर होता है। स्टेम इसकी इरेक्ट होती है, इरेक्ट, और ब्रांच होती है, ब्रांच और इरेक्ट इसकी स्टेम होती है। डिफरेंशिएट है राइजॉइड्स में, रूटलेस स्टेम में, एक्सेस में, एंड लीव्स में। राइजॉइड्स होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, डिस्कशन हो गई, और ब्रांच होते हैं।
एरियल एडेक्ट एंड ब्रांच इसकी स्टेम है। लीव्स की अगर बात करें तो वो सिंपल होते हैं, नॉट कंपाउंड, सिंपल स्मॉल छोटे छोटे पत्ते होते हैं। स्पाइरल यानी कि एक वर्ल्ड की फॉर्म में, वर्ल्ड की फॉर्म में एक सर्कल में पाए जाते हैं। अपर जो लीव्स होते हैं, ऊपर वाले जो लीव्स हैं वो बड़े होते हैं, और जो छोटे जो लीव्स होते हैं वो नीचे पाए जाते हैं क्राउडेड फॉर्म में, यानी कि एक उन्होंने क्लम्प सा बनाया होता है, गुच्छा सा बनाया होता है। तो अगर हम देखें मीटोफाइट की जनरेशन, तो एक स्पोर आया, स्पोर से प्रोटोनिमा स्ट्रक्चर बना, प्रोटोनिमा से आगे कंप्लीट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है वो डिवेलप हो गई। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो दो मेन इसके पोर्शन बनते हैं, एक गैमेटोफाइट जो गैमेट्स बनाता है, और एक स्पोरोफाइट जो स्पोर बनाएगा। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं दोनों में। गैमेटोफाइट की बात करें तो उसके अंदर एक मेन एक्सिस है जिसके ऊपर मजीद स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे स्पोरोफाइट के भी, और इसके अलावा इसके पास राइजोइड्स होती हैं, रूटलेक स्ट्रक्चर। स्पोरोफाइट में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो है कैप्सूल का, जिसके अंदर होंगे स्पोर, और जो इसको बियर करेगा वो होगा सीटा, और इसकी बेस जो होती है फुट के लाती है। दूसरा वेजिटेटिव सेक्शन में दो मेन पोर्शन हैं, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, मेन एक्सिस पर लीव्स हैं और राइजोइड रूटलेस स्ट्रक्चर है। स्पोरोफाइट में कैप्सूल है, सीटा है, इसका फुट होता है। बात करें अगर इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, तो ये मोनोइशियस प्लांट है। मोनोइशियस कहते हैं ऐसा प्लांट जिसके अंदर दोनों जेंडर्स पाए जाए, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। मेल वन को हम एंथ्रीडिया और फीमेल को आर्चिगोनियम कहते हैं। तो इस तरह जो गैमेटोफाइट है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स कैरी करता है, मेल वन जिसको एंथ्रीडिया होगा उसको हम मेल ब्रांच कहेंगे, और जिस ब्रांच के ऊपर आर्चिगोनियम होगा उसको हम फीमेल ब्रांच कहेंगे। ये सीटा है और कैलेप्ट्रा इसकी हुक स्ट्रक्चर है, और ये कैप्सूल जिसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। लीव की बात करें तो इसके दो पोर्शन होते हैं, दो साइड्स होती हैं, जिसको हम विंग्स का नाम देते हैं, राइट और लेफ्ट विंग, और सेंटर में इसकी मिडरिप होती है। एनाटॉमी की बात करें तो इसका हमारे पास प्रीवियस स्ट्रक्चर है विंग्स का, राइट और लेफ्ट, और मिड में इसकी मिडरिप है, और ये इसका बेस है, लीफ बेस। ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें तो ये जो विंग्स हैं इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि फोटोसिंथेटिक होता है, और फोटोसिंथेसिस इसी पार्ट पर होती है लीफ पर। सेंटर में मिडरिप है जिसके अंदर सेंट्रल स्ट्रैंड्स हैं फॉर कंडक्शन, नॉट प्रॉपर जाइलम ऑफ फ्लेम, वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है। बात करेंगे स्टेम की तो आउटसाइड एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, देन सेंट्रल स्ट्रैंड। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर इंटरनल एक्सिस जो शूट है हमारा, आउटसाइड जिस तरह कहा कि एपिडर्मिस है, फर्स्ट जो कवरिंग है वो एपिडर्मिस की है। नेक्स्ट हमारे पास कॉर्टेक्स है, उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स हैं, पेनक्रेमेटा सेल्स होते हैं, और सेंटर में सेंट्रल स्ट्रैंड पाया जाता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है मटीरियल की। तो ये बात रही हमारे वेजिटेटिव पार्ट की फ्यूनेरिया की केस में। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसकी रिप्रोडक्शन की नई वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।